गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम हेमलता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर सेकेंड क्लास सिक्स इंग्लिश एन सी आर टी बुक सो लेट्स स्टार्ट टू डू आर क्वेश्चन आंसर्स इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ फॉर अ मास्टर जो डॉग था उसे एक मास्टर की एक मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आंसर है हमारा द डॉक्टर द डॉग फैट जो डॉग था उसे महसूस हुआ आई नीड फॉर अ मास्टर एक मालिक की जरूरत बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट ओल बाई हिम सेल्फ एंड बींग स्केयर्ड ऑफ़ दोज हुर स्ट्रोंगर दैन हिम क्योंकि वो जो था वो वॉन्ड्रिंग मतलब हो जाता है भटकते हुए वो इधर उधर भटकने से परेशान हो चुका था थक चुका था एंड बींग स्केयर्ड ऑफ़ दोज और वो उनसे डरता भी था हुर स्ट्रोंगर दैन हिम जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है यानी उससे ज़्यादा ताकतवर है सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनिवन ऑन द एंटायर अर्थ तो इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक ऐसा मास्टर अपने लिए लाएगा यानी मालिक ऐसा ढूंढ लेगा जो कि स्ट्रोंगर होगा ताकतवर होगा दैन एनिवन ऑन द एंटायर अर्थ इस पूरी पृथ्वी पर दूसरों से ज़्यादा ताकतवर होगा तो इसीलिए जो डॉग था उसने मास्टर की ज़रूरत यानी मालिक की जरूरत महसूस की चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हु डिड द फर्स्ट चूज एज हीज मास्टर जो डॉग था उसने अपना पहला मास्टर किसे चुना वाई डिड ही लिंक दैट मास्टर और उस मास्टर को उस मालिक को उसने क्यों छोड़ दिया ठीक है तो चलिए आंसर देखते हैं ही चूज द वुल्फ़ एज इज़ फर्स्ट मास्टर उसने सबसे पहले जो अपना मालिक चुना वो किसको चुना वुल्फ को यानी भेड़िए को ही फैल्ट और सॉरी उसने उसे लेफ्ट भी क्यों कर दिया यानी उसे छोड़ क्यों दिया ही लीव द वुल्फ एज इज़ मास्टर उसने वुल्फ को एज अ मास्टर यानी मालिक मानने से छोड़ दिया बिकॉज क्योंकि द वल्फ वॉज स्केयरड ऑफ द बियर क्योंकि जो वुल्फ था जो भेड़िया था वो किससे डरता था भालू से डरता था द ड वॉन्टेड टू सर्व जो डॉग था वो ऐसे मालिक की सेवा करना चाहता था सर्व आ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को अपना मालिक बनाना चाहता था जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर है सो ही लेव द व्फ इसी उसने वुल्फ को भी छोड़ दिया क्योंकि वुल्फ तो भी से डरता था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट और वुल्फ के बाद उसने किसे चुना ही चूज द बियर एज इज मास्टर उसने वर्फ के बाद में बियर को यानी भालू को एज अ मास्टर मालिक के रूप में चुना नेक्स्ट है वाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम जो डॉग था उसने काफ़ी लंबे समय तक एक लाइन की यानी एक शेर को ही सेवा क्यों की ही सर्व द लॉन फॉर आ लॉन्ग टाइम उसने एक शेर की काफ़ी लंबे समय तक शे, आ, सेवा की बिकॉज ही हैड नो कम्प्लेंट्स क्योंकि उसके पास उसके लिए कोई शिकायत नहीं थी ही वो सेफ व सुरक्षित था एज अ लोयन वॉज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द ड क्योंकि जो लाइन था वो कैसा था स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट था यानी बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और कोई भी किसी की भी डेयर नहीं थी यानी हिम्मत नहीं थी टू टच द लायन डॉग कुत्ते को जो कि उसका मालिक लायन था तो डॉग को टच करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी इसलिए उसने लायन की काफी लंबे समय तक मदद की सॉरी सेवा की अ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई उसने आखिर में अपने मास्टर के रूप में किसे चुना और क्यों चुना ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर जो डॉग था उसने लास्ट में एक आदमी को एज अ मास्टर मालिक के रूप में चुना ही फाइनली चूज मैन एज इज मास्टर उसने आखिर में एक व्यक्ति को यानी एक इंसान को अपने मालिक के रूप में चुना दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि इवन द लायन हु वॉज द फेयरसिस्ट बेस्ट इवन यहाँ तक कि जो लायन है वो इतना बड़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर था वो स्कैर्ड ऑफ वूमेंस वो भी किससे इंसानों से डरता था दिस कन्विंस द डॉग ये जो बात थी उसने डॉग को कन्विंस कर लिया कि दैट द मैन वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल कि जो व्यक्ति है इंसान जो है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो लास्ट में उसने डॉग ने अपने अपने मालिक के रूप में एक व्यक्ति को यानी एक इंसान को चुन लिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस चैप्टर के खत्म होते हैं अगर अभी तक आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को नहीं किया है तो आप कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग